Hey guys, welcome to Teddy Soup. ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है नन्ना मेहमान। अक्षरा की गोद फिर से भरने वाली है, नैतिक और अक्षरा के घर आंगन में फिर से किलकारियां गूंजने वाली है। क्यों लगाना 440 वोल्ट का झटका? सोचिए जब ये बात अक्षरा ने नैतिक से कही होगी तो उनका क्या हाल होगा। बेचारे नैतिक की तो नींद ही उड़ गई होगी। तो चलिए नैतिक से ही सुनते हैं इस न्यूज पर उनका क्या कहना है। जन्मदिन के दिन बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सरप्राइज थी रात को, फिर उसके बाद सबने मुझे उठाया। सुबह उठा तो मुझे ही बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि मुझे पता चलता है कि अक्षरा प्रेग्नेंट है। और तब से लेके मतलब बहुत हालत ख़राब हो गई होती है मेरी। मैं अक्षरा से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और हो नहीं पा रहा है, और बात होती है तो मुझे ही डांट देती है, नाराज़ भी है मुझसे बहुत, इमोशनल भी हूँ क्योंकि नक्श कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसने ये बेड़ा उठाया था कि वो मेरा बर्थडे मतलब सेलिब्रेट करेगा, तो वो ऑर्गेनाइज करेगा, कुछ कर रहा है, वो प्लानिंग है उसके लिए। फाइनली हम लोग करकुरा के जाते हैं, वहाँ पे भी सब लोग काफ़ी नाराज़ हैं उससे, लेकिन वो मुझे सरप्राइज़ देता है। सरप्राइज़ में वो मुझे कृष्णा गिफ्ट करता है। सो आई एम रियली टेकन अबैक एंड आई एम रियली प्राउड। भाई वाह अक्षरा, आपने तो नैतिक की जान ही निकाल दी थी। जरा सोचिए अगर आपकी ये खबर सच्ची होती और आपको ये पता चलता तो क्या होता। भाई सही है, रिलेशनशिप में ऐसी छोटी मोटी छेड़छाड़ तो होती रहती है, और आपके रिश्ते की तो यही खूबसूरती है। तो आप लोगों को कैसी लगी अक्षरा और नैतिक की ये हरकत, हमें अपने कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। Hi, this is Raj Singh Arora. Hi, this is Divyanka Tripathi. And you're watching Teddy Soup. And you're watching Teddy Soup. To know more, hit the subscribe button below and share your views in the comments below. Mm-hmm.